आप अगर इस रक्षाबंधन अपनी मैरिड बहन को 5-6 दिन के लिए अपने पास बुला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 5-6 दिन मेरे पास ही रह के जाइए, तो आप अपनी पत्नी को भी उसके मायके 5-6 दिन भेजने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उसका भाई भी यही सोच रहा होगा कि मेरी बहन भी 5-6 दिन के लिए घर पे रहे। विडंबना यही से शुरू होती है रक्षाबंधन की। हर पति ये चाहता है कि उसकी पत्नी 2-3 दिन से ज्यादा रुके ही ना, 1-2 दिन रुके ही ना। और कई पति तो ये करते हैं कि सुबह राखी बंधवाएंगे, शाम को ले आएंगे, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि मेरी बहन 5-6 दिन के लिए आ जाए मेरे पास। तो जब आप अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाह रहे, तो फिर उसका पति आपकी बहन का पति कैसे छोड़ेगा, ये भी तो सोचिए जरा। अगर पत्नी ये कह दे कि 2-3 दिन मैं अपने मायके रह जाऊं, तो कहेंगे नहीं 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 मेरी बहन आ रही है, फिर उसकी देखभाल कौन करेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं इस रक्षाबंधन के आपकी मैरिड बहन 5-6 दिन आके रुके, तो फिर आप अपनी पत्नी को भी उसके मायके 5-6 दिन नहीं, कम से कम 2-3 दिन तो रोकने दीजिए, क्योंकि उसका भाई भी तो है, उसका भाई भी तो यही सोच रहा होगा। जिस तरह आपको अपनी बहन से प्रेम है, तो आपकी जो पत्नी है उसके भाई को उससे प्रेम नहीं होगा क्या, ये सोचिए आप।